यह है Realme का C53, एक बजट स्मार्टफोन या फिर अपन ये भी बोल सकते हैं Realme का iPhone। इसकी कैमरा डिजाइन को अगर अपन देखें तो iPhone 14 से कम नहीं लग रही। इसके अगर अपन बैक केस चढ़ा दें और दूर से जो बंदा देखेगा तो वो तो पक्का डेफिनेटली चकराने वाला है इसको देख के। Realme वाले अपने को इसके साथ में चार्जिंग अडेप्टर A2 Type-C चार्जिंग केबल और एक बैक केस कवर भी देते हैं। बात करें अपन इसकी डिजाइन और पोर्ट्स की तो अपने को राइट साइड में पावर बटन, फिंगरप्रिंट सेंसर, ऊपर की तरफ अपने को वॉल्यूम रोकर एंड लेफ्ट साइड के अंदर अपने को सिम ट्रे मिल जाती है जिसके अंदर 2 नैनो सिम और 1 माइक्रो SD कार्ड डाल सकते हैं। पीछे की तरफ हेडफोन जैक, माइक्रोफोन, Type-C पोर्ट एंड स्पीकर ग्रिल मिल जाती है। पीछे की तरफ अपने को देखने को ट्रिपल कैमरा सेटअप लगता है लेकिन अपने को 2 कैमरा और 1 LED फ्लैश मिलता है। इसमें अपने को 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा एंड 2 मेगापिक्सल का ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा मिल जाता है एंड अपने को 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और देखने को मिलता है। डिस्प्ले की बात करें तो अपने को 6.74 इंच की डिस्प्ले अपने को 720 पिक्सल के साथ में मिलती है जो 90 Hz रिफ्रेश रेट के साथ में आती है। प्रोसेसर पर नजर डालें तो एंड्रॉइड 13 ये रन कर रहा है एंड यूनिसॉक का T612 का प्रोसेसर मिल जाता है। एंटीटू स्कोर की बात करें तो 2 लाख के समथिंग अपने को देखने को मिलता है जो एक बजट स्मार्टफोन की तरफ से अच्छा है। रियलमी के इस स्मार्टफोन में अपने को एक यूनिक चीज देखने को मिलती है वो है इसकी रैम। 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ में मिलती है और 6GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ में मिलता है, यानी कि एक तरफ रैम ज्यादा, एक तरफ स्टोरेज ज्यादा। अगर आपको रैम ज्यादा चाहिए तो 6GB रैम वाला वेरिएंट ले सकते हैं एंड स्टोरेज ज्यादा चाहिए तो 4GB वाला वेरिएंट ले सकते हैं। बैटरी पावर की बात करें तो 5000mAh बैटरी पावर अपने को 80 वॉट के चार्जर के साथ में मिलने वाला है जिससे अपने को मोबाइल को फुल चार्ज करने के लिए 2 से 3 घंटे डेफिनेटली लगने वाले हैं, लेकिन एक बार चार्ज करने के बाद में एक दिन ये अपना इजिली निकाल देगा। इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को देखते हुए आप इसके अंदर मीडियम क्वालिटी का वीडियोज एंड मीडियम क्वालिटी का गेम प्ले कर सकते हैं। अगर आप इसमें पबजी वगैरह करोगे तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिलने वाला। इसके अंदर अपने को 150 वॉट का अल्ट्रा बूम स्पीकर भी मिल जाता है। प्राइस की बात करें तो 4GB रैम 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट अपने को 9999 रुपए में मिलता है एंड अपने को 6GB रैम 64GB स्टोरेज वाला वेरिएंट अपने को 10099 में मिलता है। अगर आप इसको ऑनलाइन परचेज करते हैं तो आपको 1000 तक का कैशबैक भी इसके अंदर मिल जाएगा। ओवरऑल अगर इसकी बात करें तो अपने को लो बजट के अंदर एक अच्छा कैमरा देखने को मिल जाता है। 108 मेगापिक्सल का कैमरा अपने को 20000 से नीचे मोबाइल फोन में नहीं देखने को मिलने वाला है एंड प्रोसेसर भी अपने को अच्छा मिलता है, बैटरी पावर भी अच्छी मिल जाती है। बजट के हिसाब से अच्छा मोबाइल फोन है।